जी आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं, कहाँ से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन, कहाँ से लाएंगे पैसा, जाली नोट लेकर आएंगे, अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखते हैं उसको ला कर देंगे, कहाँ से देंगे वेतन के लिए पैसा। तेजस्वी जी आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जिनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। बिहार की जनता समझ रही है महोदय। तेजस्वी जी आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं, जब उस समय शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आपने अस्थाई शिक्षक नियुक्ति की मांग की थी और उसके प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है, सिर्फ उसकी पंक्तियों को हम कहना चाहते हैं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन, कहां से लाएंगे पैसा, जाली नोट लेकर आएंगे, अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखे हैं उसको ला कर देंगे, कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा। ये आपने जो घोटाला शब्द का प्रयोग किया, जाली नोट का प्रयोग किया, जेल से नोट लाने की जो बात कही, आखिर किस संदर्भ में कही माननीय मुख्यमंत्री जी? इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार में समाप्त हो चुकी। श्री लालू प्रसाद जी ने आपको पलटू राम कहा की संज्ञा दी, अब ये पूरे बिहार की जनता बोल रही है, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है जो थोड़ा भी राजनीतिक सूझ रखता है। महोदय आप ऐसे नेतृत्व करता जिस पर एनडीए ने भरोसा किया था, आज पूरा बिहार आप पर शर्मसार हो रहा है। महोदय मुझे तो इस बात का अफसोस है कि श्री नीतीश कुमार जी जिस दल का लंबे वक्त से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार की सरकार में, अपने बूते आज तक वो सरकार नहीं बना पाई और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में जो महत्वाकांक्षा जो समय समय पर इनकी जगती है, जो 2013 में भी जगी और 2022 में भी जगी है। महोदय ऐसा दल जो कभी अपने बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बनाई, वो केंद्र में सरकार बनाने की बात करता है। महोदय